गांधी जी या महात्मा गांधी महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर अठारह सौ उनहत्तर ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था अब इनके जन्म दिवस पर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है ये अठारह अगर इसमें माइनस कर हैं तो अठारह ये थोड़ा जी का क्वेश्चन बन जाता है कि इसमें अठारह ईस्वी में स्वेज नहर का निर्माण हुआ था स्वेज नहर का निर्माण हुआ था यह इसका राष्ट्रीयकरण किया था मिस्र ने मिस्र में एक नदी पड़ती है नील नदी इसे नील नदी का वरदान इसे नील नदी जो है मिस्र कहा जाता है अब नील नदी के कारण मिस्र की जो मिट्टी है उस मिट्टी को कीमिया कहा जाता है जिससे केमिस्ट्री शब्द की के उत्पत्ति हुई है ये एक बेसिक जीके का क्वेश्चन हो गया इसका राष्ट्रीयकरण उन्नीस सौ छप्पन में हुआ था और उन्नीस सौ छप्पन में ही एल आई की स्थापना होती है चलो हम आते हैं अपने टॉपिक गांधी जी पर गांधी जी के पिता का नाम करमचंद करमचंद गांधी था और माता का नाम पुतली भाई इनके दादा उत्तमचंद गांधी इनके पुत्रों की बात करते हैं तो महात्मा गांधी के चार पुत्र थे हरिलाल मणिलाल रामदास और देवदास अच्छा कभी कभी इनके पांचवें पुत्र को भी पूछ लिया पूछ लिया जाता है ये चार तो इनके अपने पुत्र थे और एक था जमुनादास बजाज वह भी इनके पुत्र की श्रेणी आते हैं महात्मा गांधी उपाधि की बात करते हैं जैसे महात्मा गांधी को कई उपाधियों मिली हुई थी जैसे महात्मा की उपाधि बापू की उपाधि बाबा मालिक की उपाधि देशद्रोही फकीर वन मैन ऑफ आर्मी राष्ट्रपिता अर्जन फकीर और भी इन्हें कई अन्य नाम दिए गए हैं लोगों के द्वारा अब देखते हैं किस किस के द्वारा क्या क्या नाम दिया गया है महात्मा की उपाधि इन्हें रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दी गई बापू जवाहरलाल नेहरू ने, ने संबोधित किया था बाबा खान अब्दुल गफ्फार जिन्हें सीमांत गांधी भी कहा जाता है देशद्रोही फ़कीर फ्रैक मॉरिस ने वन मैन आर्मी लॉर्ड माउंट बैटिंग ने राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता रेडियो के माध्यम से कहा था रेडियो पर एक चैनल था नाइनटी वन पॉइंट नाइन एफ एम वो उस इन्हीं के टाइम का है अर्जुन फकीर बिस्टल चर्च ने कहा था गांधी जी की पुस्तक के बारे में बात करती हैं इनके हिंदू स्वराज उन्नीस सौ नौ में प्रकाशित हुई सत्य के साथ प्रेम उन्नीस सौ पच्चीस ईस्वी में हरिजन इनकी पुस्तक थी जो कि उन्नीस सौ तैतीस में हिंदी भाषा में लिखी हुई है अब जब ये अफ्रीका से यहाँ पर इंडिया में आए थे राजकोट में तो ये महाराष्ट्र में राजकोट पड़ता है वहाँ पर इन्होंने बगाला शुरू की और राजकोट में राम प्रसाद का केस लिया था इस केस में क्या हुआ था महात्मा गांधी जी की हार हो गई इनका मोटिवेशन गोपाल कृष्ण गोखले से मिला था जो कि इनके राजनीतिक गुरु भी हैं अब अठारह ईस्वी में साउथ अफ्रीका फिर चले गए वहाँ पर है ना शेख अब्दुल्ला का केस अब इन्हें एक उपाधि और दी गई केसर हिंद केसर हिंद की उपाधि जो दी गई थी जब गांधी ने सत्याग्रह स्टार्ट किया था तब एलिजाबेथ के एक ग्रुप यानी एलिजाबेथ के जो सहायक व्यक्ति थे उनका एक समूह था उस समूह के द्वारा महात्मा गांधी जी को केसारी हिंद की उपाधि दी गई जब ये उन्नीस सौ में घर आए थे तब इनके जो सचिव थे वो प्यारे लाल बने थे एक देसाई जी बने थे और प्रभुदास इनके सचिव थे अब उन्नीस सौ एक में दिलसावाचा में एक दिलसावाचा इसके अध्यक्ष थे जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1901 में कोलकाता में उसमें अध्यक्ष जो थे दिलसा बाचा थे उन्नीस सौ तीस में सविज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के द्वारा किया गया अच्छा एक क्वेश्चन और आता है महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र महात्मा गांधी जी के समाचार पत्र थे नवजीवन जो कि उन्नीस सौ में प्रकाशित किया गया ये इंग्लिश भाषा में था यंग इंडिया उन्नीस में ये गुजराती में था इंडियन ओपिनियन उन्नीस में प्रकाशित किया गया और ये साप्ताहिक था और ये इसकी लैंग्वेज थी इंग्लिश थी तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं इसका सेकंड पार्ट देखने के लिए हमारी वीडियो को इंतजार करें जय हिंद जय जे भारत